ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਇੰਦੌਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਓਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। गांव जो है पलाखी का लड़का जो गुम हुआ था 7 साल का, इसकी सूचना जो है पुलिस को मिली, जो पुलिस ने उसकी जो है छानबीन करते हुए आरोपी माता और चाचा को सख्ती से पूछा, वहां उन्हीं की निशानदेही पर जो है डेड बॉडी को जो है जंगल में जो है प्राप्त किया है, जो अभी FSL की टीम आ रही है और इनके खिलाफ अभियोग अंडर सेक्शन 302 IPC 4 IPC का दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है, अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। बताएंगे ये मतलब आप गांव के प्रधान हैं यहाँ के, और क्या हुआ, कैसे हुआ वाकया ये? सर कल शाम को हमें पता चला कि एक बच्चा गुम है, तो फिर पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसकी माँ और वो गए, अपना उसका चाचा बाप जो भी है बच्चे के, उन्होंने वहाँ जाके इस बात की जब रिपोर्ट लिखवाई है कि बच्चा गुम सुबह से है, तो फिर शाम को हम भी यहाँ आए, पुलिस डिपार्टमेंट भी आया, फिर जब छानबीन की तो लगभग ये क्लियर हुआ कि बच्चा सुबह किसी ने नहीं देखा, मतलब सुबह घर से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। फिर उसके बाद जो शक का सारा दायरा है वो चला गया माँ और उसके चाचा के ऊपर, फिर उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट अपने साथ ले गई है, फिर वहाँ से इसको पूछताछ की है, फिर उन्होंने ये सब अपना गुनाह कबूल किया है, तो अभी हमने सुबह उसकी बॉडी को ट्रेस किया है। तो अभी तो पहले आपको मालूम था ये गांव वालों को कि इनके कोई इनके नजायजबंद थे, इस बात की जानकारी पूरे मोहल्ले को क्या पुलिस डिपार्टमेंट तक भी इसकी पहले शिकायत गई हुई थी, लेकिन फिर वही है कि राजनामा करके घर वापस ले आते थे। अभी कुछ दिन पहले इसकी जो जिससे जो अक्यूज है ना सेवा सिंह, इसने अपनी माँ को जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी, वो 25 तारीख को माँ ने फिर अपना केस विद्रॉ करके पुलिस स्टेशन से इसको बचा के लाई थी। हमारा तो ये मानना है कि अगर वो 25 तारीख को ना बचा के लाती, ना राजनामा करती, तो शायद ये बच्चा आज जिंदा होता, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। तो भैया क्या चाहते हैं ये क्या हम चाहते हैं कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा मिले। दस दईए कि पुलिस वालों दोवां दोषियों नूं गिरफ्तार कर लिया गया। रंगला टीवी लई पठानकोट तो धर्मिंदर ठाकुर की रिपोर्ट।